दूसरे दिन ये जाता है अपने ऑफिस जहाँ पर उसकी ऑरेंज एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री है। वहां जाके वो बहुत ही कंफ्यूज्ड होता है। मिस जेंगली बताती है उसे कि बाई कंपनी के लोग उसके लिए आए थे और उसी को साइन करना चाहते हैं। मिस जेंग बोलती है कि उसे लगा था कि वो कॉपरेशन करने के लिए आए हैं कंपनी के साथ, लेकिन उन्होंने आते ही तुम्हारा नाम लिया। ये बात सुन के ये बहुत शॉक्ड होता है कि उसके लिए बाई कंपनी अभी भी इंतजार कर रही है। यही बोलता है कि ऐसा नहीं है कि मैं बाई कंपनी ज्वाइन नहीं करना चाहता, मैं करना चाहता हूँ, लेकिन मुझे पता नहीं कि वो लोग मेरे से सेटिस्फाइड होंगे कि नहीं होंगे। मिस जैंग बोलती है कि ऐसी अपॉर्चुनिटी हर बार हर किसी को नहीं मिलती, तो तुम्हें थोड़ा सोच समझ के बोलना चाहिए, जल्दी से रेफ्यूज मत करो इस अपॉर्चुनिटी को। मिस जैंग बोलती है कि अब तुम इतने भी यंग नहीं रहे हो कि तुम्हें और अपॉर्चुनिटीज मिले, तो तुम्हें ये अपॉर्चुनिटी जरूर ले लेनी चाहिए। ये तैयार हो जाता है और बोलता है कि ठीक है, मैं बाई कंपनी में काम करने के लिए तैयार हूँ। दूसरी तरफ ऑरेंज एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री का जो मैनेजर है वो बोलता है कि अभी तक ही ने हमें कोई प्रॉफिट नहीं दिया है, लेकिन उसकी पॉपुलैरिटी इतनी बढ़ रही है और मैं नहीं चाहता कि कोई और कंपनी आके उसको ले जाए। मिस लाओ मैनेजर से बोलती है कि तुम्हें कैसे पता कि ये क्या डिसाइड करेगा, क्या पता वो बाई कंपनी को ही वापस से ले ले या फिर वो हमारी ही कंपनी में रह जाए। मिस लाओ ये भी बोलती है कि ये एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है, यदि ये अपॉर्चुनिटी जेंगली को मिली होती तो वो तो इसे बिना हेजिटेशन के ले लेती थी। कोई भी इतना स्टूपिड नहीं होता है जो इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी को अपने हाथ से जाने देगा। जेंग लीली मैनेजर के ऑफिस के बाहर कान लगा के सुन रही होती है कि ये लोग क्या बात कर रहे होते हैं। जेंग लीली सोचती है कि मैं तो कंपनी की बैकबोन हूँ, मुझे कैसे कोई हटा सकता है, और ये क्या है, वो तो कुछ भी नहीं है। जेंग ली ट्रेनिंग रूम का दरवाजा खोलती है और अंदर जाती है। वहां पर वो दो लोगों को बैठा देखती है। वो लोग पूछते हैं कि तुम यहाँ पर क्यों आई हो, क्या काम है। तभी वो बोलती है कि तुम लोग यहाँ से बाहर जाओ, यहाँ पर तुम लोगों का कोई काम नहीं। तभी उसे याद आता है कि कैसे ही एक बार उसको रोते हुए देखा था। चैंगली बताती है कि कैसे उसका कॉस्ट्यूम खराब हो गया, तो ये पूछता है कि जिन लोगों ने तुम्हारा कॉस्ट्यूम खराब किया है वो सिंपली तुमसे जेलस हो गए, तो तुम्हें इसलिए सैड होने की जरूरत नहीं है। जेंग लीली को एक नया रोल मिलता है और वो यी को आके बताती है कि मुझे एक नया रोल मिला है। यी उसे बधाई देता है कि तुम्हें अच्छा है एक नया रोल मिल गया है। धीरे धीरे जेंग ली फेमस होने लगती है, उसे सभी चाहने लगते हैं, उसके जो प्रशंसक रहते हैं वो सभी बोलते हैं आई लव यू, हम तुम्हें देखना चाहते हैं करके, तो उसको बहुत ज्यादा घमंड भी आ जाता है। फिर जब वो यी को देखती है तो वो उसे नजरअंदाज करके चली जाती है, उसे इस आदमी से बात ही नहीं करनी है। वो सोचती है कि ऐसे इंसान से क्या बात करना, अब तो मैं बहुत फेमस हो चुकी हूँ। जेंगली सोचती है कि मैंने बहुत मेहनत की है इस मुकाम तक आने के लिए, मैं किसी को भी इसे बर्बाद नहीं करने दूंगी। तो वो यी और सीईओ का फोटो खींच लेती है और सोचती है कि इस फोटो को मैं वायरल कर दूंगी, जिससे कि यी की इमेज जो है बिगड़ जाएगी और जो रोल उसको मिलना चाहिए वो रोल उसको मिल जाएगा। दूसरी तरफ सीईओ का मैनेजर आता है और बोलता है सर एक प्रॉब्लम हो गया है। तो सीईओ पूछता है क्या प्रॉब्लम है, जल्दी बताओ मुझे। तो मैनेजर बताता है कि जो आपने फर्टिलाइज किए थे एग्स ई के, उन्हें किसी ने चोरी कर लिया है और कहा गया है कि वो शायद ई ने ही निकाला है, लेकिन ऐसा नहीं है। तो सीईओ बोलता है कि तुम जाओ और पता करो कि ये कैसे हुआ है। और दूसरी तरफ ई अपने दोस्त को डीएनए का सैंपल देता है। ई का दोस्त उस सैंपल को अपने हाथ में लेता है और देखता है उसमें कुछ बालों के टुकड़े होते हैं। दोनों एक रेस्टोरेंट में बैठ के खाना खा रहे होते हैं, तभी उसका दोस्त पूछता है क्या तुम वाकई में ये टेस्ट कराना चाहते हो। यी बोलता है कि हाँ ये टेस्ट मैं कराना चाहता हूँ, जिससे मुझे पता हो कि आखिरकार रूरू किसका बच्चा है। यी का दोस्त फट से उसके कॉलर को पकड़ लेता है और बोलता है तुम आखिरकार कैसे रूरू के ऊपर शक कर सकते हो, वो कितना क्यूट है, वो वाकई में तुम्हारा ही बच्चा होगा। दूसरी तरफ रूरू अपने घर में डांस कर रहा होता है, तभी वहां सीईओ आता है तो रूरू उसे कहता है क्या तुम वापस आ गए। रूरू और सीईओ खाना खाने बैठते हैं। सीईओ रूरू की प्लेट में कुछ मीट का टुकड़ा डालता है और साथ में ही वी को भी खाना उसकी प्लेट में सर्व करता है। रूरू बहुत ही हैप्पी हो रखा होता है और बोलता है कि ये बहुत टेस्टी है। सीईओ बोलता है कि वो कुछ दिनों के लिए बाहर जा रहा है और तभी ही सोचता है कि जो रिजल्ट आएगा डीएनए टेस्ट का उसके बाद उसे क्या करना चाहिए। दूसरी तरफ दिखाते हैं कैसे बाई कंपनी जो है वहां पर क्या हो रहा होता है, और वहां पर एक आदमी बैठा होता है पर्पल हेयर का जो कि एग्रीमेंट देख रहा होता है।
और उस आदमी से पूछता है दूसरे आदमी से कि क्या तुमने सारा काम ठीक से कर लिया। और साथ ही बोलता है कि यी के लिए एक नया कॉन्ट्रैक्ट तैयार करो। और तभी उस पर्पल हेयर वाले आदमी का फोन बजता है। वो फोन उठाता है और देखता है कि उसमें जो न्यूज है उसमें सब वो वाली न्यूज है जिसमें दिखाया जाता है कि ये किसी आदमी के साथ बाहर जाता हुआ दिखाई दे रहा है और लोग कह रहे हैं कि वे इस आदमी की वजह से ही इतना फेमस हुआ है और इसीलिए बाई कंपनी जो है इसे लेने के लिए आई है। पर्पल हेयर वाला आदमी सोचता है कि आखिर सीईओ का और यी का क्या रिश्ता है। वो दोनों हमेशा खुश नजर आते हैं। क्या वो दोनों ब्रदर्स हैं, लवर्स हैं, या वो लोग एक ही घर में रह के एक ही साथ सोते हैं। बाहर भी बहुत सारे लोग ये न्यूज को अपने मोबाइल में देख रहे होते हैं, ग्रुप्स में इकट्ठा होके कि आखिर चल क्या रहा है। तब लोगों के मोबाइल में यी और सीईओ की फोटो एक साथ है, जिससे लोगों को लगता है कि कोई ना कोई इसको बैकिंग दे रहा है। दूसरी तरफ ये एक एक्ट्रेस वही पिक्चर को मोबाइल पे देखती है और सोचती है कि बड़ा अजीब है ये कि इन लोगों की फोटो आई है, आखिरकार किसने ऐसा काम किया होगा। दूसरी तरफ ऑरेंज एंटरटेनमेंट का मैनेजर मिस लाओ और मिस जैंग एक साथ एक कमरे में बैठ के चाय पी रहे होते हैं। और तभी मिस लाओ बोलती है कि आखिरकार ये ऐसी न्यूज किसने रिलीज की। ऐसी न्यूज रिलीज होगी तो हमारी इंडस्ट्री में बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ेगा हमारी कंपनी पे। दूसरी तरफ सीईओ को अभी तक कुछ भी नहीं पता है और वो एयरपोर्ट पहुंच जाता है और एयरपोर्ट के अंदर चेकिंग कर देता है। रूरू और यी भी सीईओ को एयरपोर्ट छोड़ने आए होते हैं। तभी रूरू जो है उस सीईओ को बोलता है कि तुम जल्दी आना और अपने सारे चॉकलेट्स जो है सीईओ के हाथ में देता है और बोलता है कि एरोप्लेन में खाना। जब सीईओ एरोप्लेन में बैठता है तो वो अपने पॉकेट से चॉकलेट को निकाल के देखता है। ये चॉकलेट बहुत ही क्यूट और अच्छी सी दिखाई देती है और ये चॉकलेट को देख के वो मन ही मन मुस्कुरा रहा होता है। टेस्ट जहाँ होने वाला होता है वहां पर कुछ लोग बैठ के बात कर रहे होते हैं। तभी मिस्टर एआई आते हैं और पूछते हैं कि तुम लोग क्या कर रहे हो। तो ये लड़कियां बोलती है हेलो मिस्टर एआई आप कहते हैं करके। तभी वो उनको मुस्कुरा के देखता है और बोलता है कि जो रिपोर्ट्स मैंने दी थी वो आ गई हैं क्या। तभी एक लड़की उठती है और बोलती है हाँ रिपोर्ट्स आ गई हैं, मैं आप ही के पास लेके आने वाली थी। रिपोर्ट्स लेके मिस्टर एआई जो है वो चले जाते हैं और लड़कियां फिर गॉसिप करने लगती है कि देखो ये जो यी है ये मेरी क्लासमेट के साथ पहले देखा गया था। तभी एआई पीछे मुड़ के देखता है और कोरियर वाला आ जाता है। तो कोरियर वाला दरवाजे पे नॉक करता है और तभी मिस्टर एआई कोरियर वाले को कोरियर देते हैं और बोलते हैं इसे तुम डिलीवर कर दो। तब तक मैं यी भी एआई के ऑफिस में आ चुका होता है। एआई के ऑफिस में जाने से पहले वो अपने आप को थोड़ा अच्छे से देखता है और फिर रूम के अंदर घुसने की तैयारी करता है। नॉक करके रूम के अंदर घुसता है और मिस्टर एआई से हाय हेलो करता है। फिर मिस्टर एआई उसे वो डीएनए टेस्ट रिपोर्ट देते हैं जो कि आ चुकी होती है। और तभी ही वो रिपोर्ट को लेके खोलना चाह रहा होता है। तभी वो बोलता है कि तुम अभी रिपोर्ट मत खोलो, तुम आराम से पहले अपना मन बना लो और घर जाके देखो। तो यी उस रिपोर्ट को अपने बैग में रखने लगता है और फिर उसके बाद उसकी तरफ मुस्कुरा के देखता है और पूछता है कि तुम कैसे हो करके। तभी वो बताता है कि उसकी नजर में एक इंसान है जिसे वो पसंद करता है और ये अपने सीईओ है। लेकिन फिर उसे लगता है कि ये गलत है तो वो नहीं नहीं तुरंत कहने लगता है। और तभी वो मोबाइल में देखता है कि लोग क्या गॉसिप कर रहे होते हैं। तो उसमें वो देखता है कि इसमें तो उसी की फोटो है और वो बोल सोचता है अच्छा हुआ मैं रूरू को नहीं लेके आया। और तभी रात हो चली होती है और वो वापस अपने सीईओ के घर चला जाता है और टॉयलेट में बैठे बैठे अपने रिपोर्ट को हाथ में लेके सोचता है कि अब मैं इसे देखूंगा। लेकिन देखने से पहले ही उसे रूरू की आवाज आती है और वो चौंक जाता है और रूरू बोलता है तुम जल्दी करो मुझे कहानी सुननी है, बेड टाइम स्टोरी सुनना है। तब भी वो किसी तरह अपने रिपोर्ट को फाड़ता है और उसका सील खोल के रिपोर्ट को पढ़ता है। उसके बाद वो बाहर चला जाता है और रूरू को वो करने लगता है, कहानी सुना के सुलाता है। अब रूरू भी सो चुका होता है और तब उसे याद आता है कि कैसे वो रिपोर्ट जो थी वो 99% सही थी, यानी कि सीईओ वाकई में रूरू के फादर है। रात का अंधेरा हो चुका होता है, सिटीज में काफी बड़ी बड़ी लाइट्स जल रही होती है और तभी ये सोचता है कि उसके एडवांटेजेस क्या हैं और वो फिर किताब में उन एडवांटेजेस को लिखने लगता है। और वो देखता है कि उसका जो बिगेस्ट एडवांटेज है वो ये है कि रूरू जो है
वो उसकी साइड में है और वो एक उसके साथ उसका जो बॉन्ड है वो बहुत स्ट्रांग है। उसे वो सारी बातें याद आती हैं जो उसने रूरू के साथ बिताई होती है। उसके बाद वो ये भी सोचता है कि वो रूरू को लव करता है और रूरू उसको लव करता है, तो बेसिकली दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। तो रूरू जो है उसी का बेटा होना चाहिए। और इसके अलावा जो रूरू है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है उसी ने ली है, और उसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी पहले जो फॉरेन एजेंसी ने ली थी, उसके अलावा यी ने भी उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेने में बहुत मदद की है। और जो फिर उसके बाद वो बोलता है कि अपने नोटबुक में लिखता है कि रूरू को उसने पाला पोसा है और उसके बीच में बहुत स्ट्रांग बॉन्ड है करके। और वो ये भी सोचता है कि मैं कभी भी रूरू से अलग नहीं होऊंगा। फिर वो ये सोचता है कि फिर उसने जो डीएनए टेस्ट था वो क्यों कराया, उसने जो फादर और सन की आइडेंटिटी को वेरीफाई करने के लिए कराया था, और उसके हाउस होल्ड का भी उसको देना पड़ा था जिससे कि उसकी आइडेंटिटी हो सके। फिर वो सोचता है कि मैं इतना भी अनलकी नहीं हो सकता हूँ कि 2 से 3 बार चीजें गलत हो जाए। और फिर वो रूरू की तरफ देखता है और अपनी नोटबुक में फिर से कुछ रिकॉर्ड करता है। और ये सोचता है कि जब रूरू पैदा हुआ था उसी टाइम पे सीईओ को भी बेबी चाहिए था, तो उस सीईओ को उस टाइम पे बेबी क्यों चाहिए था, क्योंकि उसे अभी तक कारण नहीं पता है, इसलिए वो ये सोचता है। और फिर ये सोचता है कि सीईओ के पास ऑलरेडी फियांस थी, तो उसने ऐसे क्यों मतलब बेबी को पैदा किया था, क्या उनका जो रिलेशन था वो डिटोरिएट हो जाएगा क्या रूरू की वजह से। फिर वो सोचता है कि अब उसके डिसएडवांटेजेस क्या हैं। तो वो बोलता है, सोचता है कि जो सीईओ है वो बहुत अमीर है, लेकिन वो अमीर नहीं है, उसके पास हमेशा पैसों की प्रॉब्लम रहती है। उसके बाद फिर सीईओ के पास पावर है, लेकिन इसके पास कोई पावर नहीं है क्योंकि ये जो है वो एक नॉर्मल इंसान है। और फिर लव की बात आती है, तो वो बोलता है कि जो रूरू है वो मुझसे ज्यादा प्यार करता है और मैं भी उससे ज्यादा प्यार करता हूँ, तो लव तो जो है मैं ही ज्यादा करता हूँ, सीईओ रूरू से ज्यादा प्यार नहीं कर सकता। फिर वो सोचता है क्या लव कोर्ट में काउंट करेगा यदि मैं कोर्ट में केस ले जाऊंगा। तो फिर वो सोचता है चाहे कितने भी एडवांटेजेस हो और कितने ही कम डिसएडवांटेज क्यों ना हो, लेकिन एडवांटेजेस इतने ज्यादा हैं कि डिसएडवांटेज शायद उसको कम लगेंगे। और फिर वो सोचता है कि रूरू जो है वो वाकई में सीईओ का बेटा है, और क्योंकि रिपोर्ट में 99% जो था वो लिखा आया था कि वाकई में सीईओ जो है रूरू का फादर है करके। तो फिर उसके बाद वो सोचता है कि शायद मैं यदि कोर्ट जाऊंगा तो केस नहीं जीत पाऊंगा। ये सोच के बेचारा सैड हो जाता है और सोचता है कि अब मुझे क्या करना चाहिए करके। तभी दूसरी तरफ दिखाते हैं कि सीईओ का जो प्लेन है वो लैंड हो चुका होता है, और वो जो है वहां पर लोग बोलने लगते हैं कि लेडीज एंड जेंटलमैन हम जो है वहां पहुंच गए हैं एयरपोर्ट में। और क्या कहते हैं, इस वक्त रात हो रही होती है, आधी रात हो रही होती है। सीईओ अपना फोन ऑन करता है और फोन में वो रूरू और ही की फोटो देखता है और सोचता है कि वो लोग क्या कर रहे होंगे। तभी वो अपने फोन से मैसेज टाइप करता है ही उनको कि वो पहुंच गया है करके। तभी ही का फोन भी बजता है क्योंकि उसे मैसेज आया होता है, और वो देखता है कि मैसेज सीईओ ने किया है जिसमें लिखा है कि वो पहुंच गया है और वो जल्दी ही वापस आएगा काम खत्म करने के बाद, और वो कुछ इमोजीज भी भेजता है। तभी ई को बहुत हंसी आती है कि सीईओ भी इमोजीज यूज कर सकता है। तभी ई भी टाइप करता है कि ठीक है तुम आराम से आओ, और फिर वो सोचता है कि मुझे शायद सीईओ को रिप्लाई नहीं करना चाहिए था, और सोचता है कि मैंने ग्रैंडफादर को प्रॉमिस भी किया था कि मुझे इतनी देर रात तक जागना नहीं चाहिए, और फटाफट वो मैसेज को डिलीट करने लगता है। और वो सोचता है कि यदि मैं मैसेज करूंगा तो उसको पता चल जाएगा कि मैंने मैसेज किया है और मैं सो नहीं रहा हूँ। और तभी सीईओ सोचता है कि अभी तक टाइप ही हो रहा है, लेकिन क्या इतनी देर टाइपिंग ही हो रहा है। सीईओ लगातार देखता ही रहता है कि अभी भी वो टाइपिंग में है। सीईओ को समझ में नहीं आता कि क्या हो रहा है। तभी वो फोन करता है और फोन बजता है,
और तब वो पूछता है कि तुम अभी तक सोए नहीं हो, और फिर वो बोलता है कि नहीं मैं टाइप करते हुए सो रहा था। और फिर वो देखता है कि बहुत देर से उसने मैसेज भेजा हुआ था, लेकिन अभी भी उसके ऐप में दिखा रहा है कि यून जो है वो टाइप कर ही रहा है। और सीईओ लगातार अपना फोन देखता ही चला जाता है, ये सोच रहे कि जो वो इतनी देर से टाइपिंग दिखा रहा है अब शायद वो मैसेज डिलीवर होगा। तभी सीईओ ये भी सोचता है कि क्या वो सो गया है क्या। और उसके बाद वो बोलता है कि यदि तुम्हें नींद आने में प्रॉब्लम हो रही है तो लेवेंडर की जो आरोमा है उसको तुम यूज कर सकते हो, उससे तुम्हें नींद आएगी। और बोलता है ज्यादा देर रात तक मत जागो, और करके गुड नाइट बोल देता है। तभी ये सोचता है कि क्या उसे कुछ ज्यादा ही चिंता हो रही है क्या सीईओ को। और वो सोचता है कि ऐसा भी हो सकता है कि जैसा मैं सीईओ के बारे में सोच रहा हूँ वैसा वो ना हो, और हमें शायद कोर्ट में जाके केस लड़ना ना पड़े, और रूरू को हमें किसी एज को ना देना पड़े, और हम अपने जो रिलेशनशिप में है बैलेंस बना सकेंगे। और वो ये भी सोचता है कि जो सीईओ है वो हर चीज में अच्छा है, और जो ये है वो थोड़ा सा क्लमजी है हर चीज में, और वो सोचता है कि मैं उसे नहीं बताऊंगा। और वो बोलता है कि उसे कुछ ज्यादा ही मेहनत करनी चाहिए जिससे कि वो अपने और रूरू के लिए कुछ कर सके। तभी सीईओ का फोन बजता है और वहां पर लिखा होता है कि मैं सोने जा रहा हूँ, गुड नाइट, और तुम्हारी जो ट्रिप हो वो सेफ हो। सीईओ ये देख के थोड़ा सा खुश हो जाता है कि उसको मैसेज आया है। अब ऑरेंज एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में क्या होता है कि वो कल्प्रिट को पकड़ा जाता है जिसने फोटो भेजी होती है। तो वो लड़की आती है, बोलती है कि मैंने फोटो ली थी, लेकिन मेरे को माफ कर दीजिए, मुझे मुझ पर बिलीव कीजिए कि मैंने ये फोटो को लीक नहीं किया है, और जो यी उन है वो सभी के साथ बहुत अच्छा है, तो मेरे पास कोई रीजन नहीं था कि मैं उसकी फोटो को लीक करूं। तभी लाओ जो है वो पूछती है कि मुझे बताओ कि तुमने ये फोटो किस किस को भेजा था। तो वो बताती है कि मैंने तो सिर्फ अपने चैट ग्रुप में भेजा था, जो कंपनी का चैट ग्रुप नहीं है, और वो एक छोटा सा स्मॉल चैट ग्रुप है जहाँ हम लोग कभी कभी गॉसिप्स करते हैं। तो जो लाओ रहती है वो बोलती है कि तुमने जो ये फोटो भेजा था उसकी वजह से कंपनी कितनी वो हो रही है, अफेक्ट हो रही है, तुम्हें पता भी है क्या? तो मैं चाहती हूँ कि तुम हमारे साथ कॉपरेट करो और हम इसके बारे में लीगल एक्शन लेंगे करके। और तभी वो लड़की बोलती है कि ठीक है, लीगल एक्शन मत लीजिए, मैं आपके साथ कॉपरेट करूंगी। और वो बताती है कि उसने किस ग्रुप में जो ये फोटो था वो भेजा था, और वो ग्रुप दिखाती है। तभी मिस लाओ फोन को रोल करती है और देखती है कि कहाँ पर फोटो भेजा गया था, और बोलती है कि अब तुम जा सकते हो और इस फोटो को डिलीट कर देना है जिससे कि किसी को भी पता ना चले। तभी मैनेजर पूछता है कि तुमने उसे जाने क्यों दिया, और ये भी हो सकता है कि वो जाने के बाद थोड़ा सा ट्रबल पैदा कर रहे। तो वो बोलती है, लाओ बोलती है कि ये वो नहीं है जिसने ये काम किया है, कोई और है जो ये काम कर रहा है। तभी मिसेस लाओ आती है और फोन को डेस्क के ऊपर फेंकती है और बोलती है मैंने कहा था प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, लेकिन अभी तक प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई, क्यों नहीं हुई? और वो बोलता है, मैनेजर बोलता है कि उसे नहीं पता है कि अभी तक क्यों प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई, और वैसे भी जो ये है उसका कॉन्ट्रैक्ट जो है वो एक्सपायर होने वाला है और वो बाई कंपनी में जाने वाला है, तो वो यहाँ नहीं रहेगा। तो मैनेजर बोलता है लाओ को कि हमें लिली को प्रोटेक्ट करना चाहिए, और जो रिसोर्सेज है जो हमने बाई कंपनी से मांगे हैं वो सारे हमें लिली को दे देने चाहिए। तो लाव जो है वो सोचने लगती है कि क्या किया जाए। तभी दूसरी तरफ पर्पल हेयर वाला आदमी जो है वो देखता है अपने मोबाइल पे और सोचता है कि इस तरह से कोई स्टेटमेंट रिलीज करके प्रॉब्लम सॉल्व करता है क्या। और वो बोलता है कि ये जो स्टेटमेंट है वो बहुत ही यूजलेस है, और ये जो है सिर्फ शो के लिए है। और वो अपने मैनेजर को बोलता है कि यदि इसी तरह से न्यूज स्प्रेड होती रहेगी तो जो ऑरेंज एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री है वो हमारा ब्लेम जो है वो ले नहीं पाएगी। और वो ये भी बोलता है कि ये लोग बहुत ही यूजलेस हैं, एक छोटा सा प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर सकते हैं। और तभी उनका मैनेजर बोलता है कि हमें ये जो फॉल्स न्यूज है और स्टेटमेंट है उसे डिलीट करना होगा, और क्योंकि जो ये है वो अभी फेमस नहीं है,
और ऐसे छोटे मोटे मैनिपुलेशन से हमें उसको मतलब ट्रबल हो सकता है करके। और जो इस तरह के स्टेटमेंट है वो जो कंट्री में होंगे तो उन लोगों का अटेंशन उस पर बहुत जाएगा, तो ये कोई एक वाइज स्ट्रेटेजी नहीं है। तभी पर्पल ईयर वाला आदमी बोलता है कि कितने यूजलेस लोग हैं ये लोग, और फिर उसके बाद दिखाते हैं कि फोन बज रहा होता है, और तभी सीईओ को फोन आता है और सीईओ अपने जो कर्मचारियों से बात कर रहा होता है उन्हें बोलता है कि हम ये बातें बाद में करेंगे, अभी मुझे जाना होगा तो मुझे एक्सक्यूज करें। फिर वो फोन उठाता है और बोलता है, और तभी उसको वहां से सुनाई देता है कि आपसे कांटेक्ट करना बहुत ही मुश्किल हो रहा है करके। तो सीईओ को बोलता है वो पर्पल हेयर वाला आदमी कि तुमने जो एक शो है जो ये सब कुछ हो रहा है वो तुमने मिस कर दिया है। तो सीईओ थोड़ा सा ध्यान नहीं देता है और बोलता है कि तुम पॉइंट पे बात करो। तभी पर्पल हेयर वाला आदमी बोलता है कि तुम्हें याद है कि तुमने मुझे कहा था कि वो सेलिब्रिटी को शट डाउन करना है करके, और उस सारे लोग जो हैं अभी उसी के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, तो क्या अभी तुमको खुशी हो रही है क्या कि वो अपने आप शट डाउन हो जाएगा करके। तो फिर बोलता है कि मैं और भी सिचुएशन को बढ़ा सकता हूँ यदि तुम कहो तो, और इसी से मैं टेबल को पलट भी सकता हूँ, उसको फेमस भी कर सकता हूँ और उसको शट डाउन भी कर सकता हूँ। तभी सीईओ बोलता है कि तुमने क्या कहा, तो वो बताता है पर्पल हेयर वाला आदमी कि मैं जो हूँ जो बोलता हूँ वो मैं करता हूँ, मैंने तुम्हें प्रॉमिस किया था तो मैं ये करूंगा, जैसा कि तुमने चाहा था कि ही उनको हम शट डाउन कर दे करते। तो वे बोलता है कि तुमको पता है ना कि कैसे वो हमारे ट्रैप में गिर गया है करके। ऐसा करके वो फोन की तरफ देखने लगता है और सोचता है कि यदि मुझसे बैठ करेगा तो मैं उसको हेल्प करूंगा, नहीं तो मैं उसके ये छोटे लवर को हेल्प नहीं करूंगा, और बहुत ही एक्साइटेड हो रहा होता है सोच के कि सीईओ से हेल्प मांगेगा। तभी सीईओ बताता है कि वो अब्रॉड में बिजनेस ट्रिप के कारण आया हुआ है और वो जितनी जल्दी हो सकता है उतनी जल्दी वापस आएगा। और इसी बीच में क्या कहते हैं ई को यदि कुछ होगा तो उसे ध्यान रखना पड़ेगा और उसके रेपुटेशन को डैमेज नहीं होना चाहिए, और तुमको ना बिल्कुल भी जल्दबाजी में कोई कदम नहीं उठाना चाहिए, तुम्हें जो प्रॉब्लम है उसको ठीक से सॉल्व करनी चाहिए। तभी पर्पल हेयर वाला आदमी सोचता है कि इस तरह कोई किसी से मदद मांगता है क्या करके, और उसके बाद देखता है कि कॉल कट गया है। तभी वो अपने मैनेजर को बोलता है कि पीआर डिपार्टमेंट को कहो कि एक स्टेटमेंट निकाले और ये सारी अफवाहों को दूर करे करके। तो मैनेजर बोलता है ठीक है मैं स्टेटमेंट निकालता हूँ। तभी दूसरी तरफ दिखाते हैं कि यी रूरू के साथ खेल रहा होता है, और यी जो है वो रूरू को आज इंग्लिश सिखाने वाला होता है, और वो बोलता है कि मेरे पीछे बोलो रूरू जो ये लिखा है करके। तो रूरू भी देखता है कि उस कार्ड के ऊपर क्या लिखा है, और उस कार्ड के ऊपर यू लिखा होता है। और तभी ये बोलता है कि इसे इमेजिन करो कि ये फिश है और बोलो यू करके। तो रूरू भी जो है वो यू को यू बोलता है, और जो ही है वो बोलता है तुमने बहुत अच्छे से सीखा है, और बताता है कि यू से मतलब तुम्हारी जो फिश है वो जो तुम्हें फिश अच्छी लगती है स्वीट एंड सार वाली वो जो तुम्हारी फेवरेट है करके। उसे वो ऐसे वर्ड्स के साथ एग्जांपल देके इंग्लिश के वर्ड्स सिखाता है और बोलता है कि मुझे ये कॉल लेना पड़ेगा, तो तुमको जो मैंने सिखाया है उसके ऊपर तुम प्रैक्टिस करो। उसे कॉल सीईओ का आ रहा होता है और सीईओ पूछता है क्या तुम ठीक हो। तभी ये पूछता है कि तुम्हारा क्या मतलब है कि मैं ठीक हूँ। तो सीईओ बोलता है कि तुम्हें ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है र्यूमर्स के बारे में, और तुम बिल्कुल भी उस पर ध्यान मत दो, मैं जो हूँ ये सब संभाल लूंगा और मैं तुम्हारे बॉस से इसके बारे में बात करूंगा। तभी ये उन बोलता है कि मुझे डर है कि शायद मैंने तुम्हारे रेपुटेशन को भी इफेक्ट किया होगा, क्योंकि अभी तो तुम पब्लिक फिगर हो। अब इन दोनों का फोटो आया था इसलिए थोड़ा ना थोड़ा इम्पेक्ट तो सीईओ के ऊपर भी पड़ा होगा, वो ऐसा सोचता है। अब
ये बोलता है कि ठीक है, वैसे भी तुम ज्यादा इम्पोर्टेंट हो और तुम काफी दूर हो अभी। सीईओ बोलता है कि तुम मेरी चिंता मत करो, तुम अपनी चिंता करो। और तभी सीईओ फोन पे सुनता है, ये सोचता है कि सीईओ जो है वो मेरे बारे में चिंता कर रहा है, क्योंकि फोटोज जो है वो रिलीज हो गई थी, जबकि उसे उसके खुद के बारे में चिंता करनी चाहिए थी। और ये बोलता है कि तुम चिंता मत करो, मैं जानता हूँ मुझे क्या करना है करके, और यदि मैं सॉल्व नहीं कर सकता प्रॉब्लम तो मैं तुम्हारे पास आऊंगा। तो सीईओ ये बात सुन के थोड़ा खुश होता है और बोलता है ओके। अब दूसरी तरफ दिखाते हैं कि जो लीली है वो अपने मेकअप मैनेजर के साथ में वॉक कर रही होती है और जा रही होती है। तभी ही उसको दिखाई देता है, जो लीली है उसको दिखाई देता है। तो ये बोलता है कि चलो हम कुछ बात करते हैं करके, और ये कुछ ज्यादा टाइम नहीं लेगा, हम जल्दी ही अपनी बात को फिनिश कर लेंगे करके। तो लीली जो होती है उसको तो वैसे ही बहुत घमंड होता है, वो बोलती है कि मैं तो बिजी हूँ और इसलिए मैं बात नहीं करूंगी। तो यी बोलता है कि सिर्फ 3 मिनट में बात हो जाएगी, और वो ये भी बोलता है कि इसी नाते बात कर लो कि मैंने तुम्हें, जब तुम नई नई आई थी तब तुमको मैंने हेल्प किया था करके। तो ये लीली को बहुत ही गुस्सा आता है, क्योंकि जब भी कोई उसके पास के बारे में बात करता है उसे अच्छा नहीं लगता। तो वो बोलती है कि मुझे ऐसा कुछ याद नहीं है करके वो जाने लगती है। तो यही बोलता है कि मैं तुम्हें याद दिला देता हूँ, रूम नंबर 419 में होटल में जिस दिन तुम हमारा फर्स्ट डे था ऑडिशन का। तो वो इतना ही बोलता है कि लिली जो है वो गुस्से में आ जाती है और बोलती है तुम आखिरकार चाहते क्या हो। तो यही बोलता है कि मैं सिर्फ तुम्हें ये बताना चाहता हूँ कि तुम सिर्फ एक अकेली नहीं हो जो कि स्टोरीज बना सकती हो, चाहूँ तो मैं भी बना सकता हूँ ये स्टोरी स्टोरीज को। तो और यदि मैं भी बनाऊंगा तो देखते हैं कि किसकी स्टोरी पर पब्लिक जो है वो बिलीव करेगी। ऐसा बोल के ये बोलता है कि मैं अभी फेमस नहीं हूँ और तुम बहुत फेमस हो, तो जो मैं बोलूंगा उसमें भी ज्यादा लोग इंटरेस्टेड होंगे। तभी लिली को बहुत गुस्सा आता है और बोलती है कि तुम क्या कहना चाह रहे हो, मैं समझ नहीं पा रही हूँ। और तभी ही बताता है कि तुमने बहुत मेहनत करी इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में फेमस होने की, लेकिन तुम दूसरों के साथ बहुत ही बदतमीजी से पेश आती हो और तुम मेरे साथ भी बदतमीजी से पेश आ रही हो, लेकिन मैं कोई और रीजन नहीं समझ सकता कि तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही हो। तभी वो बताता है कि हम डायरेक्ट पॉइंट पे बात करते हैं और बोलता है कि मैं इन्वेस्टिगेट नहीं करना चाहता हूँ कि ये रूमर्स कहाँ से फैले हैं ऑनलाइन। ऐसा कहके वो बोलता है कि मैं अच्छे से जानता हूँ कि तुम जानती हो कि ये रूमर्स कहाँ से फैले हैं, तो तुम मेरे साथ उलझो मत। यदि मुझे कुछ हुआ और मैं वापस इस ट्रबल में पहुंचा तो मैं तुम्हें देख लूंगा, वो लिली को ऐसे धमकी देता है। और वो भी बोलता है कि आज के बाद हमारा एक दूसरे से कुछ लेना देना नहीं है, तो तुम अपना ध्यान रखो और बिहेव ठीक से करो। ये बात सुन के लिली को और भी ज्यादा गुस्सा आता है कि उसने ऐसा कहा, और वो दीवार पर जोर से हाथ मारती है और बोलती है कि उसने ऐसा कैसे कहा, उसकी हिम्मत कैसे हुई मेरे से ऐसे बात करने की। तभी उसकी असिस्टेंट बोलती है, मिस ली मुझे लगता है कि आपको ये सब करना बंद कर देना चाहिए। तो लिली बोलती है कि क्या आपको डर लग रहा है क्या, मतलब अपनी असिस्टेंट को पूछती है क्या तुम्हें डर लग रहा है। तभी असिस्टेंट उसको मोबाइल निकाल के बताती है कि जितने भी सर्च इंजन्स पे तुमने जो चढ़ाई थी न्यूज, वो सारे के सारे न्यूज जो है किसी ने हटा दिए हैं। लिली की सेक्रेटरी जो है लिली को फोन करती है और बताती है कि मिस मैं आपको मदद करना चाहती हूँ, लेकिन मैं अब और मदद नहीं कर सकती। आपको पता है कि किसने मुझे वार्निंग दी है, मुझे 22 ग्रुप के लोगों ने वार्निंग दी है कि मुझे ये सब चीजें बंद करनी होंगी और हमें अफवाह फैलाना बंद करना होगा यही के बारे में।
लिली अपना फोन देखती है और सुनती है कि उसकी सेक्रेटरी ने उसे आखिरी में सॉरी कहा और अपना फोन रख दिया, और ये भी कहा कि आप किसी और को ढूंढ लीजिए आपकी मदद करने के लिए, मैं आपकी आगे और मदद नहीं कर सकती। लिली अपने फोन में देखती है और सोचती है कि बाई ग्रुप के लोग ने ही उनको क्यों चुना, वो लोग उसे मदद करने के लिए क्यों तैयार हैं। इतना सब कुछ उसने किया लेकिन फिर भी वो स्थिति को पलट नहीं पाई और आखिरी में बाई कंपनी ने ही उनको ही चुना। बिस्तर पे लेटे लेटे ही लिली सोचती है कि मैंने इतनी मेहनत की और मैंने सक्सेस भी बहुत पाई, मैं ही उनसे ज्यादा फेमस हूँ, लेकिन फिर भी सब लोग उसी को पसंद कर रहे हैं। आखिरकार मैं फिर ऑरेंज इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में करूंगी क्या? यदि यदि बाई कंपनी भी उसी को रोल देगी तो फिर मेरा क्या होगा? दूसरी तरफ सीईओ को बाई कंपनी का जो पर्पल हेड वाला आदमी है वो मैसेज करता है और बोलता है कि मेरे पास 2 बॉटल वाइन के हैं, मैं आज फ्री हूँ, मैं तुम्हारे घर पे आऊंगा, लेकिन मुझे सबसे पहले तुम ये बताओ कि तुम्हें अपना जो डिस्प्ले इमेज है अपने फोन का वो तुमने कब बदला, तुम कब से इतने फैशनेबल हो गए। सीईओ ये सारे मैसेजेस अपने फोन में पढ़ रहा होता है। तभी बाई के मैनेजर उसकी तरफ देखता है और बोलता है कि सर आज तो रात को आपकी मीटिंग है, आपको वहां पर जाना चाहिए और आप ये प्लान बना रहे हो। तो बाई बोलता है उस बोरिंग मीटिंग में क्या रखा है, आज तो हम फन करने जाएंगे, आज हम यी के यहाँ पर देखने जाएंगे कि वहां पर हो क्या रहा है। बेल बजती है तो रूरू को लगता है कि यी आया है और तभी वो बोलता है कि यी मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। तभी वो देखता है कि ये यी उन नहीं है, उसकी जगह पर ये कोई और है। तो बच्चा पूछता है कि अंकल आप कौन हो, तो अंकल पूछते हैं कि बेटा तुम कौन हो। रूरू मिस्टर बाई को बताता है कि उसका नाम रूरू है और मिस्टर बाई बोलते हैं कि मैं तुम्हारे सीईओ का फ्रेंड हूँ लेकिन तुम मुझे मुमू करके बुला सकते हो। ये भी काम से लौट आता है और सोचता है कि अभी तक रूरू बाहर क्यों नहीं आया उसे वेलकम करने के लिए। तो वो पूछता है कि अभी तक रूरू बाहर क्यों नहीं आया। ये रूरू के कमरे में जाता है और नॉक करता है और बोलता है कि सॉरी डिस्टर्ब करने के लिए लेकिन डिनर तैयार हो गया है। और वहां देखता है कि यी और मिस्टर बाई कुछ गेम्स खेल रहे हैं। तभी रूरू देखता है कि यी आ गया है और वो बोलता है यी तुम आ गए, और साथ ही तब मिस्टर बाई भी यी की तरफ देखते हैं और यी उन बोलता है कि आपसे मिलकर मुझे बड़ी खुशी हुई कि आप मेरे यहाँ पर आए हैं। तभी मिस्टर बाई एकदम से बिजनेस फॉर्म में आ जाते हैं और अपना इंट्रोडक्शन देने लगते हैं कि वो बाई कंपनी के सीईओ है और वो यहाँ पर दूसरे सीईओ से मिलने आए हैं। सब लोग बैठ के डिनर करने लगते हैं, बड़ी हंसी खुशी तीनों लोग डिनर करते हैं। डिनर के बाद वो लोग सब मिलके बैठ के गेम्स भी खेलने लगते हैं। गेम्स खेलते खेलते जो मिस्टर बाई है वो बोलते हैं कि हमें सेल्फी लेना चाहिए, और वो सेल्फी लेते हैं जिसमें उन सबकी फोटो होती है कि कितना उन्होंने मजा किया। और वो ये सेल्फी अब दूसरे सीईओ को भेज देता है कि कैसे उसने ही उनके साथ फोटो खिंचाई। सीईओ ये सेल्फी देख के थोड़ा गुस्से में आता है, उसे थोड़ा जेलस होता है।